अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पकौड़ों के लिए चटनी। मैं ये डालने लगी हूँ तकरीबन 1 कप इमली। एक कप इमली का पल्प है और ये 2 टेबलस्पून जितना गुड़ है। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च। इसको इतना पकाना है कि इस पे चम्मक आ जाए। ये भी फ्रीज कर लें। ये 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन, इसको इतना पकाना है ना कि ये इस पे चम्मक आ जाए। ठंडा करें और फ्रीज कर लें। चाहे तो आइस क्यूब वाले बॉक्स में कर लें, चाहे तो ऐसे डिब्बों में डाल लें, छोटे पैकेट बना लें। एक पैकेट निकाला और कर लिया। ये बस इतना पकाना है कि इसके ऊपर चम्मक आ जाएगी, फिर उतार लूँगी। इसको फ्रीज कर लें। चाहे तो फ्रूट चाट में डाल लें, चाहे तो चने चाट में डाल लें, जिसमें मर्जी है डाल, पकौड़ों के साथ रख लें। वैसे है तो ये पकौड़ों वाली। थोड़ा सा और पके फिर उतार लूँगी। अभी चम्मक थोड़ी थोड़ी आई है, सही चमक आए तो फिर उतारूंगी। ये तकरीबन हो ही गई है। ये पक चुकी है। मैंने अब ये चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखिए बंद हो गया। अब ये भी सर्विंग डिश में डालने लगी। ये पकौड़ों के लिए चटनी तैयार है।